ये है मुंबई की धड़कन यानी लोकल ट्रेन। अभी हम पहुंच चुके हैं पनवेल। हमारी जो ट्रेन नंबर है वो है 12618 मंगला लक्षद्वीप एक्सप्रेस। अपना कंटिन्यू टनल्स आने वाली है, तो आप देख सको यहाँ से टनल। खिड़की खुली हो तो फोन नहीं चलाना, कोई छीन सकता है। सो हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका अमरजीत सिंह एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एक्सप्लोर विद अमरीक। तो जी दोस्तों, आज हम जा रहे हैं मुंबई टू गोवा। तो आज गोवा की जो हमारी जर्नी होने वाली है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, बिकॉज आज जो हम जर्नी करेंगे ये बाई ट्रेन करेंगे। और आज जिस ट्रेन में हम सफ़र करने वाले हैं वो है मंगला लक्षद्वीप एक्सप्रेस, जो कि हमारे दिल्ली के हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन से सुबह 5:30 बजे के आसपास चलती है और नेक्स्ट डे कल्याण होते हुए सीधा गोवा पहुँचती है। तो चलो चलते हैं, और आज की जो हमारी ट्रेन होने वाली जर्नी अपने भाई के साथ होने वाली है, जो कि हमारे लोकल ही है मुंबई के। ये तो कैसा लग रहा है भाई, आज हम फर्स्ट टाइम इतने दिनों बाद आखिर कर रहे हैं जो ये जर्नी। अच्छा लग रहा है, पर तूने मेरी नींद खराब कर दी। कोई बात नहीं भाई, थोड़ा सा सैक्रिफाइस करना पड़ता है हर चीज़ के लिए। तो चलो गाइज, अभी हमारी ट्रेन आने वाली है, तो मिलते हैं आपको ट्रेन के अंदर जाके से। तो अब जो आप देख रहे हो ये है मुंबई की धड़कन यानी लोकल ट्रेन। तो भाई साहब, अगर ये मुंबई के अंदर ना चले डेली बेस पे तो भाई साहब मुंबई रुक जाए एक तरीके की। क्यों भाई, सही कह रहा हूँ? बिल्कुल। फाइनली 6 नंबर प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं हमारी 12618 मंगला लक्षद्वीप एक्सप्रेस। आप देख सकते हो ये तो ये शुरुआत के 2 डब्बे हमारे जनरल कोच हैं, एंड ये एसी कोच यानी फर्स्ट क्लास फर्स्ट टायर के, फिर सेकंड टायर आएंगे, फिर थर्ड टायर, देन हमारे स्लीपर कोच, जो कि आज हम सफ़र करने वाले हैं स्लीपर कोच में। तो ये हमारी कुछ मंगला लक्षद्वीप एक्सप्रेस जो कि यहाँ से आज गोवा के लिए, और आज हमारा लोअर बर्थ की सीट है। तो चलो अपनी सीट ले लेते हैं फिर मिलते हैं। तो फाइनली अपनी ट्रेन 5 मिनट का होल्ट लेके चल चुकी है मडगांव जंक्शन के लिए। तो आप देख सकते हो ये कल्याण रेलवे स्टेशन का कुछ नज़ारा सुबह 5:54 का। तो ठीक है भाई, बाकी ठीक है, मिलते हैं कल्याण जंक्शन, बाय बाय। ये देखो प्लेटफॉर्म नंबर 6 ये, और धीरे धीरे अपनी स्पीड पकड़ते हुए ये क्या बात है। सो यहाँ पर लिखा हुआ देख सकते हो कल्याण जंक्शन। वाओ, कल्याण जंक्शन से जैसे कि हमारी ट्रेन चल चुकी थी और करीब 2 से 3 किलोमीटर आगे चले हैं, और अभी का आप नज़ारा देख सकते हो कितना ही प्यारा व्यू है, और सुबह जैसे होने लगी है और चारों तरफ का आप देख सकते हो नज़ारा। और यहाँ पर मुंबई की खास बात आपको पता ही होगी कि यहाँ पर आपको चारों तरफ बिल्डिंग्स देखने को मिलती है, और ये देखिए। तो धीरे धीरे अभी हमारी ट्रेन आगे की तरफ बढ़ते हुए मडगांव जंक्शन की तरफ। नेक्स्ट स्टेशन इज़ पनवेल, यानी अगला स्टेशन पनवेल। तो आप देख सकते हो पनवेल का कुछ नज़ारा, और रेलवे स्टेशन आने वाला है जैसे, और ग्रीनरी यार आपको ना इस रास्ते पर आपको बहुत ज़्यादा दिखने वाली है। और अभी सुबह का कुछ 6:30 बजे का टाइमिंग है, और बाकी अभी का जो नज़ारा है ना, अभी हमने 34 किलोमीटर्स कम्प्लीट कर दिए। अभी हम पहुँच चुके हैं पनवेल आफ्टर 34 किलोमीटर्स, एंड जैसे अभी सुबह के 6:50 हो रहे हैं, और हमारी ट्रेन अपने निर्धारित समय से 20 मिनट की देरी से चल रही है। तो ठीक है, अभी हम अप्रॉक्सली मडगांव पहुँचेंगे 5:40 पर। तो फाइनली 7 बजे अब हमारी ट्रेन चल चुकी है पनवेल जंक्शन से। तो अभी देख सकते हो भाई
पनवेल का कुछ नज़ारा। और अभी जो ये प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर रुकी थी हमारी मंगला लक्षद्वीप एक्सप्रेस, तो जैसा कि अभी पनवेल रेलवे स्टेशन से हमारी ट्रेन चल चुकी है और अभी का आप ग्रीनरी वाला व्यू देख सकते हो, कितना ही प्यारा व्यू आ रहा है यार। और अभी ये सुबह के 7:30 बज चुके हैं और चारों तरफ का नज़ारा अपना ग्रीनरी बहुत ही बढ़िया। ओए होए, मतलब यार जो हरियाली है ना यहाँ की और जो ताज़ी हवा आ रही है इस समय सुबह के समय की, तो बहुत ही प्यारा। ओ बाकी व्यू के तो हम भाई मज़े ही ले रहे हैं बस, क्या बात है। हमने सोचा था गोवा जाके ऐसे नज़ारे देखने को मिलेंगे, लेकिन जो ये ट्रेन जर्नी होती है ना, ये हर एक अलग चीज़ का एक्सपीरियंस करवाती है। और अभी से आप देख सकते हो कितना ही प्यारा व्यू आ रहा है। तो ठीक है जी, अभी 10:30 के आसपास अभी हमारा खेड़ रेलवे स्टेशन आएगा, तो मिलते हैं आपको खेड़ रेलवे स्टेशन से पहले अगर कोई अच्छा सा व्यू आता है तो। साथ ही साथ देखो बारिश पड़ रही है बाहर, लेकिन जो यार सूरज देवता अभी छुपे हुए हैं बादलों के बीच में, वरना सनराइज़ का जो इस समय का नज़ारा आपको देखने को मिलता ना, इतना ही प्यारा देखने को मिलता। बाकी देख सकते हो भाई बारिश पड़ते हुए, वाह भाई, मतलब हर एक चीज़ के हम नज़ारे लेते हुए जाएंगे यहाँ से, धूप के, बारिश के, गर्मी के। और वो देखो हल्के हल्के सूरज देव का बाहर निकलते हुए बादलों के बीच से, बाकी बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है भाई इस समय। दोस्तों देख सकते हो आप भाई सनराइज़ होते हुए सूरज देवता फाइनली दिख चुके हैं अब हमारे को ये। और बाकी नज़ारा दिखाऊँ तो ये देखो क्या ही प्यारा व्यू देखने को मिलता है यार सुबह सुबह। तो सुबह की टिकट लेने का फ़ायदा यार ये होता है कि भाई आप एक से एक नज़ारे के मज़े लेते हुए जा सकते हो अपनी जर्नी पर। जैसा कि अभी हमारी जो ट्रेन नंबर है वो है 12618 मंगला लक्षद्वीप एक्सप्रेस। और आप देख सकते हो जैसा अभी हमने ये कल्याण जंक्शन से सुबह 5:46 की हमने ये ट्रेन पकड़ी है, और अभी आप देख सकते हो पनवेल से कासू की तरफ 11 किलोमीटर कंप्लीट कर चुके हम। और अभी ये खेड़ पहुँचेगी सुबह 10:30, और फिर चिपलून होते हुए, रतनगिरी होते हुए, कंकारवली होते हुए हम थिवीम उतरेंगे यानी गोवा उतरेंगे 5:15 पर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि गोवा जाते समय जितने आपको ग्रीनरी वाले व्यू देखने को मिलते हैं, और यहाँ पर आप एक साथ यहाँ पर लेक भी देख सकते हो। ये देखो एक ये लेक जाते हुए कितना ही पानी यार स्पीड में जा रहा है, बहुत ही बढ़िया। और साथ ही साथ यहाँ पर आप रोड देख सकते हो, आई थिंक ये लोकल एरिया की रोड्स होंगी, बाकी जैसे मेन हाईवेज होते हैं वो तो भाई बिल्कुल बाहर कुछ उस तरफ होंगे इसके पहाड़ों के बैक साइड। बाकी यार बहुत ही प्यारा व्यू देखने को मिलता है भाई हमें, बाकी ट्रेन जर्नी इज़ अ बेस्ट जर्नी यार, मान गया भाई मैं। सो दोस्तों हमारी मंगला एक्सप्रेस गाड़ी का नेक्स्ट जो हॉल्ट आया है वो है संगमेश्वर रोड। तो आप देख सकते हो कुछ ये लोकल स्टेशन है, आई थिंक हॉल्ट तो नहीं है यहाँ पर, लेकिन अभी रुकेगी कुछ। आप देख सकते हो ये संगमेश्वर रोड। और बाकी जैसे हम आपको दिखाते हुए चल रहे हैं, चारों तरफ का व्यू बहुत ही प्यारा ग्रीनरी व्यू है ये।
संगमेश्वर रोड पर एक ट्रेन होल्ड होती है वेयर 30479, और ये जो ट्रेन है त्रिवंतमपुरम से लोकमान्य तिलक यानी मुंबई आ रही है। बाकी देख सकते हो ये M1 यानी फर्स्ट AC, B6 यानी सेकेंड टायर। ओके सो गाइस, अपना कंटिन्यू टनल्स आने वाली है, तो आप देख सको यहाँ से टनल, और आई थिंक ये छोटी टनल है थोड़ी, ये देखो जी, ये हमारी ट्रेन ने एक हॉल्ट लिया है राजापुर रोड रेलवे स्टेशन के नाम से, ये स्टेशन है। तो अभी हम ना कुछ नेचर के मज़े ले रहे हैं, आप देख सकते हो यार कितने प्यारे प्यारे। बाकी आपको ना एक मैं फूल दिखाना चाहूँगा यहाँ पे जूम करके, ये देखो, ये भाई को बहुत ज़्यादा पसंद आया, लेकिन हाइट के हिसाब से क्यों भाई, हाइट के हिसाब से नहीं पहुँच पा रहे। और बाकी एक भाई ने ना यहीं कहीं एक फ़ोटो क्लिक कर दी यार फूल की, ये रही भाई ये वाला। चलो जी चलते हैं आप अंदर, चलो चलो। अगर गलती से भी दोस्तों अगर आपके ऐसे खिड़की खुली है तो देखो ऐसे हो सकता है खिड़की खुली हो तो फोन नहीं चलाना, कोई छीन सकता है। ओए 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 क्यूटी पाई, ओए 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 ओ भाई, ओए 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 इतना गुस्सा, ओ भाई भाई अभी हमारे पास 3 पप्पी आए हैं छोटे छोटे से। चलो चलो हमारी ट्रेन आ गई, ओ चल गई, चलो बाय बाय, आजा, चल। तो अभी हमारा जो स्टेशन था वो कर्ण कावली था, जिधर ये 3 हम पप्पीज के साथ खेल रहे थे। थोड़ी ही देर में अभी हमारा तेलिम रेलवे स्टेशन आने वाला है जहाँ पर हमें उतरना है, और यहाँ पर आप देख सकते हो मौसम, बारिश आ रही है भाई, बहुत ही बढ़िया, कितनी स्पीड में बारिश हो रही है, बहुत ही वाह यार, कितने प्यारा व्यू आ रहा है साथ। फाइनली पहुंच चुके हैं हम अभी थेविम रेलवे स्टेशन, जो कि हमारी एर्नाकुलम से जैसे गाड़ी चलती है मंगला लक्षद्वीप 12618, और अभी हम फाइनली जैसे थेविम पहुंच चुके हैं। तो अभी चलो चलते हैं अपने होटल्स की तरफ, यहां से बाहर निकलते हैं फिर मिलते हैं आपसे भाई होटल जाके डायरेक्ट। थेविम रेलवे स्टेशन उतरते यार आपको ना एग्जीक्यूटिव लॉन्च भी देखने को मिल जाता है, तो ये यहां पर लिखा हुआ है और इधर है आपकी एग्जीक्यूटिव लॉन्च, तो बहुत ही बढ़िया सर्विस के साथ आपको यहाँ पर ये सर्विस मिल जाएगी। तो जैसे अभी हमारा ये एग्जिट गेट था थेविम रेलवे स्टेशन से, तो अभी यहाँ पर ना आपको ऑटो एंड कैब्स देखने को मिल जाएंगी, और साथ ही साथ यहाँ पर बाइक्स भी देखने को मिल जाएंगी। तो भाई बाइक के ही 500 रुपये यार बागा बीच यहाँ से, जो कि 20 किलोमीटर है, इतना रेट है। बाकी एक कैब है, बाकी अगर आपको यहाँ पे यार ये गवर्नमेंट की तरफ से जो प्रीपेड टैक्सी होती है इनका रेट जानना है, तो आप वीडियो को पॉज करके हर एक अपनी लोकेशन का रेट यहाँ पे जो फेयर है वो चेक कर सकते हो। जैसे अभी हमारे को ना बागा जाना है, तो बागा के भाई 900 रुपीज़, नॉन AC है ये, और ये AC, यानी किलोमीटर के हिसाब से आपका रेट होगा। तो अभी हमने ना ऑटो बुक करा है भाई 650 में बागा के लिए, तो भाई ये कुछ इस तरीके का ऑटो होता है भाई गोवा के चलो भाई चले राइड करें आज गोवा के ऑटोस की।